के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को दी ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा आपसी भाईचारे और सौहार्द पूर्वक मनाए पर्व। प्रशासन भी रहे सतर्क, सुरक्षा के साथ रखें साफ सफाई का ध्यान। दिखा चांद ईद उल फित्र 5 मई को 29वीं का चांद होने की तस्दीक पर जमा मस्जिद के इमाम ने बुधवार को ईद का त्यौहार मनाने का किया ऐलान। दरगाह मस्जिद मुबारक खां शहीद के इमाम मौलाना मकसूद आलम मिसबाही ने किया ऐलान, बुधवार को मनाई जाएगी ईद। सपा बसपा गठबंधन टूटने पर सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए सक्षम है सपा, गठबंधन नहीं केवल सीटों का हुआ था समझौता, यादव ने वोट दिया था बसपा को। वैज्ञानिक की बात किसानों के साथ कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया संवाद, कार्यक्रम की लाइव इंटरनेट से भी किया गया स्ट्रीमिंग। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला ने कहा, गोरखपुर की भूमि है ज्ञान की, हिंदी अनिवार्य होने से हिंदी नहीं रहेगी, हिंदी लोगों के द्वारा स्वीकार्य होने से रहेगी, स्वीकारता और अनिवार्यता से नहीं है कोई संबंध, वैश्विक स्तर पर हिंदी को नहीं है कोई चुनौती। संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर सदर तहसील में आए फरियादियों की सुनी गई फरियाद, 187 मामलों में 14 का हुआ मौके पर निस्तारण। कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को दिया ज्ञापन, कहा मृतकों के परिजनों को मिले सुरक्षा और 20 लाख का मुआवजा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र की कुलपति नियुक्ति होने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचने पर प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला का किया गया स्वागत एवं अभिनंदन। विभिन्न मांगों को लेकर मीटर रीडरों ने BCITS कंपनी के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा मांगे पूरी ना हुई तो करेंगे कार्य बहिष्कार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को कालीबाड़ी मंदिर में किया गया भंडारे का आयोजन, आम से लेकर खास सभी लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण।